हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अच्छे से होंगे। एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाइए आपके अपने वाईफाई स्टडीज 2.0 चैनल पे, जो कि पार्ट है अन अकेडमी का। और मैं चेतन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने वाईफाई स्टडीज 2.0 चैनल पर। चलिए भाई, एक बार देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी अटेंडेंस लगाने के लिए पहुँच गए हैं। रजत सक्सेना जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका जी, रजत सक्सेना जी, पृथ्वीराज चौहान साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माफ़ी चाहूँगा, क्लास 2-4 मिनट आज लेट हो गई है आप सभी की, क्योंकि मैं अभी बस क्लास सेट करने में ही लगा हुआ था। एक बार कुछ इशू दिखाया इसीलिए मैंने ऑफ करके दोबारा से ऑन कर दिया क्लास को। चलिए जी, स्टार्ट करेंगे क्लास फटाफट से, बिना समय बर्बाद किए हुए क्लास को शुरू करेंगे बहुत उम्दा तरीके से, बहुत अमेजिंग तरीके से। आप सभी जानते हैं ये है मेरा चैनल, कौन सा, प्लेइंग विद जीके चैनल है। पीछे आप देख सकते हैं बैनर लगा हुआ है प्लेइंग विद जीके का। इसके अलावा ये है साइंस हेवन चैनल, यहाँ पर रोज़ रात 11 बजे आपको देखने के लिए मिलेगी मेरी करंट अफेयर की क्लास। इसके अलावा मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए एक नॉट आउट सीरीज। नॉट आउट सीरीज क्या रहेगी वो आपको वहीं पर पता चलेगी साइंस सेवन चैनल पर जाके। तो जल्दी से चले जाना, क्लास के बाद जाना ज़रूर और साइंस सेवन चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जल्दी ही मिलेगी मेरी एक नॉट आउट सीरीज जो आपके अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा ये है प्राइजेस, कोर्सेज के प्राइजेस हैं, एसएससी वाली कैटेगरी के हैं, जल्द ही बढ़ जाएंगे कमिंग जुलाई। एनरोल नाउ, प्राइस जो है वो जल्दी हाई कर दिए जाएंगे, इसी जुलाई में कर दिए जाएंगे। अभी केवल केवल और केवल आप मासिक 325 रुपये चुका कर 325 रुपीज़ चुका कर एनरोल कर सकते हैं किसी भी कोर्स में 24 महीने के लिए एसएससी वाले, 12 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या फिर 1 महीने के लिए। इसके अलावा ये हैं जुलाई के ऑफर्स एसएससी कैटेगरी के लिए। ये रहेगा अन अकेडमी प्रॉमिस ऑफर 1 ईयर का। अगर आप एनरोल करेंगे तो आपको 6 मंथ एडिशनल दिए जाएंगे, यदि आप 2 महीने का एनरोल करेंगे तो आपको दिए जाएंगे 12 मंथ एडिशनल। इसके साथ साथ प्राइस जो है वो रहेगा 5850 और प्राइस रहेगा 7020 रुपये। और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने यूज़ किया मेरा कोड CM10। ठीक, इसके आगे अन अकेडमी ये कॉम्बेट करवाता है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, संडे को करवाया जाएगा 12:00 बजे। पार्टिसिपेट करने के लिए यूज़ कीजिए मेरा कोड CM10। इसके अलावा ये है रिपोर्ट एंड विन, यदि आपको लगता है कोई असंवेदनशील कंटेंट आपको पढ़ा रहा है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत सारे वाउचर्स, कूपन्स। इसके अलावा ये रहेगा अन अकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन, डाउनलोड करने के लिए जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और जाकर जल्दी से कर लीजिए इन्हें डाउनलोड। इसके अलावा ये रहेगा मेरा कोड रहेगा CM10, ये कोड आपको दिलवाएगा बहुत सारी चीज़ों में डिस्काउंट और बहुत सारी क्लासेज में फ्री एनरोलमेंट। चलिए जी, ऑल सेट, सभी तैयार हैं क्लास के लिए। हाँ, ज़रा सा और पढ़ लो। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून जी। चलिए, क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट सभी लोग मिलकर, ताकि जितने अपने भूले पिछड़े विद्यार्थी हैं पहुंच जाएं क्लास में। धीरे धीरे आते हैं एक एक करके शांति से। अप्रैल के महीने के करंट अफेयर थोड़े और बाकी थे तो आज उनसे संबंधित ही सवाल मैं आपको करा दूंगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आराम से पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए, समय अच्छा खासा है। विच कंट्री इनॉग्रेट स्मॉल हाइड्रो प्लांट चंदानाथ म्यूनसिपालिटी इन जुमला डिस्ट्रिक्ट विद इंडियन असिस्टेंस। भारतीय सहायता से किस देश ने जुमला जिले में चंदानाथ नगर पालिका में लघु जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया है। क्या रहेगा सवाल का जवाब? चलिए, जवाब देने की जल्दी से कोशिश कीजिए फटाफट से। क्या रहेगा इस सवाल का जवाब? चंदामत नामक एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर स्मॉल हाइड्रो प्लांट इनॉग्रेट किया गया है, भारत की मदद से इसे बनाया गया है। सवाल ये है, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में या फिर बांग्लादेश में, किस जगह पर ये काम किया गया है? भाई बहुत सारे करंट बाकी हैं, अब समझिए, मुझे बहुत सारे करंट आपको रिवाइज करवाने हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं मेरा फोकस अभी 3-4 क्लासेज में करंट पर ही चल रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कल को आप ये ना बोलें कि सर आपने ये नहीं करवाया। ठीक, इसके अलावा स्टैटिक जीके के लिए मैंने सोचा है जल्दी ही मैराथन आ जाएगी, पॉलिटी वाली मैराथन आ जाएगी, हिस्ट्री वाली क्वेश्चन की मैराथन आ जाएगी, इकोनॉमिक्स वाली मैराथन आएगी और स्टैटिक जीके की मैराथन भी आ जाएगी, तो वहाँ से वो सारा काम हमारा टैकल हो जाएगा। चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब? हेलो सर, चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्लास को एक बार जल्दी से शेयर और लाइक कर दीजिए जल्दी से अपने अपने ग्रुप्स में। क्या रहेगा सवाल का जवाब? अभी तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया है, सवाल का जवाब है नेपाल। खड़क प्रसाद ओली की विदाई हो गई है और आप जानते होंगे एक नए बन गए हैं, उनके बारे में मैं अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा, मगर KP ओली की विदाई हो गई है, इतना मैंने सुना है अभी कुछ देर पहले की न्यूज़ में मैंने देखा है। सवाल का जवाब रहेगा यहाँ पे नेपाल, नेपाल की राजधानी आपको नज़र आएगी काठमांडू के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, हु हैज वॉन मैंस सिंगल टाइटल ऑफ मैड्रिड ओपन 2021? मैड्रिड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन है राफेल नडाल, डोमिनिक थीम, एलेक्जेंडर ज़ेवरेव या फिर मेटेवा ब्रेटनी। क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर वॉन द मैड्रिड ओपन 2020 नहीं 2021, 2021 का ये खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, राफेल नडाल, डोमिनिक थीम, एलेक्जेंडर ज़ेवरेव या फिर मेटेटो बैरेटिनी। क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब दीजिए भाई। और बाकी सभी कहाँ पर हैं आज चुस्त दुरुस्त विद्यार्थी अपने, फटाफट से सभी जुड़ जाइए जल्दी से। नडाल रहेगा सवाल का जवाब, बहुत बढ़िया जी, सभी का जवाब बिल्कुल लाइन से गलत है। सवाल का जवाब है एलेक्जेंडर ज़ेवरेव। इंपॉर्टेंट मार्क का टिक कर लेना, CGL के एग्ज़ाम होंगे अभी, CHSL वाले एग्ज़ाम होंगे अभी, MTS वाले एग्ज़ाम होना बाकी हैं अभी, स्टैनो वाले एग्ज़ाम होना बाकी हैं अभी, इसके अलावा रेलवे NTPC के 7th फेज के एग्ज़ाम होना बाकी हैं अभी, ठीक है जी, 7th फेज वाले। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम होना बाकी हैं अभी, RRB ग्रुप डी, जिनकी भर्तियां पहले से आ रखी हैं और एग्ज़ाम होंगे। इसके अलावा DSSB के एग्ज़ाम होंगे, इसके अलावा UP का एग्ज़ाम होगा, UPSSC का एग्ज़ाम होगा, इसके अलावा UPSI का एग्ज़ाम होगा, और गारंटी दे रहा हूँ हर एग्ज़ाम में अपने पढ़ाए हुए सवाल आपको ज़रूर नज़र आएंगे, इसीलिए गारंटी के साथ जवाब दीजिए ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला सवाल स्क्रीन पर, हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द मैड्रिड ओपन 2021? अगर पुरुष एकल खिताब पूछा जाएगा मैड्रिड ओपन पे, तो सिंपल सी बात है कि महिला एकल खिताब के बारे में भी वो आपसे जानकारी ज़रूर लेगा। तो बताइए महिला मैड्रिड ओपन 2021 महिला एकल खिताब किसने जीता, वो कौन सी महिलाएं जिन्होंने जीता? नियोमी ओसाका, सिमोना हैलेप, एशलेक बार्टी या फिर आरियाना सैबलिंका। क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब दीजिए भाई। अच्छा कल आपने मुझे देखा था, कल मैं कहाँ पर था, अच्छा कल तो मैं वहाँ था ना, कमला नगर में था शायद मैं कल, ठीक, साथ में वो एक और सर भी थे। क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब दीजिए। इसके अलावा कल एक जगह और भी था, मैं शायद प्रीतमपुरा में भी था कल, थोड़ा सा बाहर, मतलब क्लास ले ली दिन वाली, उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकले थे। चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब, बहुत बढ़िया जी, सभी का जवाब बिल्कुल एकदम सही आया है। सिमोना हैलेप टिक करके पेपर में आगे बढ़ जाना, क्योंकि इस बार तुम तो कन्फर्मेशन चाहते ही नहीं हो, इसीलिए बिल्कुल गलत है सिमोना हैलेप, नियोमी ओसाका भी गलत है, एशलेक बार्टी ऑप्शन में और आरियाना सैबलिंका ऑप्शन में है। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक, किसने जीता ये खिताब, तो सवाल का जवाब रहेगा जी, कल आपने मेरे को देखा था, बहुत अच्छे जी, बहुत उम्दा, ऐसे ही बस हमें देखते रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करूँगा आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक। चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब, गलत जवाब देना आप सभी लोग शुरू हो गए हैं, और क्या सभी का जवाब लाइन से गलत आया, बिल्कुल सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैड्रिड ओपन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल स्क्रीन पर, हु हैज बीन स्वान इन अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम टू रिप्लेस सर्बानंदा सोनोवाल? सर्बानंदा सोनोवाल की जगह असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हिमंता बिस्वा शर्मा, श्याम जगन्नाथ, कैलाश चंद्र समारिया या फिर पवन कुमार बोरत ठाकुर। चलिए भाई जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का जवाब, ये तो बेसिक का भी बेसिक है भाई, ये तो बेसिक का भी बेसिक हो जाएगा सवाल, मतलब इसको तो आंख बंद करके आपको कहीं ना कहीं टिक कर देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक से भी बेसिक ऐसी कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए जी क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए, 100 के आसपास सवाल हैं, अगर बोलेंगे तो सारे पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरी 9:30 के आसपास क्लास है दोबारा इसके बाद। अच्छा प्राइजेस वाले क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होती है, ये अलग से पढ़ा दूँ, ठीक है जी, और कोई मांग और कोई डिमांड आपकी ऐसी जो हम पूरी कर पाएँ? इस सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल से आंख बंद करके भी आप लगाएंगे तो भी ठीक लगा देंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा। बस एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, इनकी जो कैबिनेट है भाई साहब, राज्य में भी कैबिनेट होगी? बस कमेंट करके ऑफलाइन में ये मत बोल देना राज्य में कैबिनेट नहीं होगी, राज्य में भी कैबिनेट मंत्री होंगे या फिर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जान लीजिए, ठीक है जी, इनकी मंत्री परिषद होगी उससे आपको ज़्यादा अच्छा याद रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनकी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उसमें कैबिनेट होगी। सवाल ये है, हिमंता बिस्वा शर्मा तो बन गए मुख्यमंत्री, बताइए राज्य की फाइनेंस मिनिस्टर किसे बनाया गया? आसाम राज्य में फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्रालय किसे सौंपा गया, जल्दी जवाब दीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर किसे बनाया गया और पहली महिला, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं उस राज्य की, फटाफट से जवाब दीजिए भाई, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ
आसाम के रूप में किसे चुना गया, या फिर इन्होंने नाम रिकमेंड किया उसके बाद शपथ दिलवा दी जाएगी, क्या रहेगा सवाल का जवाब? उस एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। और भाई हर किसी का ना अपना पढ़ाने का ट्रेंड रहेगा, जवाब देना होगा ना, तो मैं आके 100 क्वेश्चन मतलब 100 वन लाइनर लिख के आपको बोल दूंगा जवाब जवाब जवाब, कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड को इतना शार्प बनाने की कोशिश है कि तुम जवाब दे पाओ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, सवाल है उसका जवाब चाहिए फटाफट दे देना। वो महिला फीमेल जिनका नाम मैंने कहीं ना कहीं कनेक्ट करवाया था केव से भी, अगर अजंता, बहुत बढ़िया, अजंता नियोगी था उसका, उनका नाम मैंने आपको पढ़ाया था कि अजंता की गुफाएं टिक कर दोगे एग्जाम में तो भी टिक हो जाएगा, अजंता नियोगी करके उन महिला का नाम था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नाम मेरा लिख लीजिए एग्जाम में आएगा। विच प्लेयर हैज़ बीन हॉनर्ड विद 2021 लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, किस खिलाड़ी को 2021 के लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडर या फिर लियोनियल मैसी। लियोनियल मैसी एक खिलाड़ी इसमें से ऐसे हैं जो बिलोंग करते हैं फुटबॉल से, बाकी सभी खिलाड़ी आपको नजर आएंगे लॉन्ग टेनिस से जो खेलती हैं अपनी सानिया मिर्जा जी। क्या रहेगा सवाल का जवाब? राफेल नडाल, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का जवाब, ऐसा आप कह रहे हैं और ऐसा ही मैं कह रहा हूँ, सवाल का जवाब रहेगा राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का जवाब, नडाल नडाल नडाल, बहुत बढ़िया। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जैसा हम कर आपको करवा रहे हैं, बस आपको इसी प्रकार से तैयारी को आगे लेके जाना है, इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे ना मैं गारंटी देता हूँ तब तो भी एग्जाम में टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल है सवाल का जवाब। अगला सवाल है, नेम द फीमेल प्लेयर हु हैज़ बीन फैसिलेटेड विद द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एट द 2021 लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, उस महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे 2021 लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी से सम्मानित किया गया है। सोफिया कैनन, नियोमी ओसाका, सिमोना हैलेप या फिर एशलेक बाटी, चलिए या फिर एशलेक बाटी, क्या रहेगा सवाल का जवाब? भाटी नहीं बोला, बाटी बोला है, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदारों की कैटेगरी में आते हैं, वो मैं समझता ही हूँ। ठीक, चलिए जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का जवाब? विच ऑफ द फीमेल वुमेन, वो महिला का नाम पूछ रहा है जिन्हें दिया गया है ये वाला लॉरेस वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या रहेगा सवाल का जवाब? फीमेल स्पोर्ट्स खिलाड़ी, नियोमी ओसाका, नियोमी ओसाका, नियोमी ओसाका, सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा नियोमी ओसाका। नेम द फीमेल प्लेयर हु हैज बॉर्न फैसिलिटेड विद द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, दिया गया है, महिला का नाम है नियोमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, हु हैज वॉन द फॉर्मूला वन स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021, फॉर्मूला वन स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? मैक्स वेस्टरिपन ने, वेल्टेरी बोटास ने, लेविस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन ने या फिर चार्ल्स लैकरेक ने? और किसका संबंध रहेगा? गाड़ी से संबंधित रहेगी, F1 रेस की बात कर रहा है और सवाल यहाँ पर यही है कि ये वाली F1 रेस जीतने वाली का नाम क्या है, खिलाड़ी का नाम क्या है, बस सवाल यहाँ पर ये है। चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए, वो कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने जीता है ये वाली रेस? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द मैक्स वेस्टरेपन, वेल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन या फिर चार्ल्स लेकरेक? जल्दी जवाब दीजिए, लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन, बहुत बढ़िया, सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन, टिक करके आगे बढ़ जाइए क्योंकि ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है। कई सारी रेस इस बार मैक्स वेस्टरेपन ने भी जीती है, मगर ये वाली जो रेस आपको मिलेगी फॉर्मूला वन स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स जो आपको मिलेगी 2021 वाली, वो जीतते हुए आपको नजर आएंगे लुइस हैमिल्टन। ब्रिटेन कंट्री से बिलोंग करते हैं और ड्राइवर हैं मर्सिडीज के, ब्रिटेन कंट्री से बिलोंग करते हैं और कौन सी गाड़ी ड्राइव करेंगे? तो मर्सिडीज ड्राइव करेंगे, ध्यान रखना, ये सवाल भी एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, RBI हैज एक्सक्लूडेड लक्ष्मी विलास बैंक फ्रॉम द सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 फॉलोइंग द मर्जर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक विद विच बैंक। RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक के साथ विलय के बाद भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से लक्ष्मी विलास बैंक को बाहर कर दिया है? बैंकिंग कैटेगरी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके अलावा CGL में भी कम से कम इकोनॉमिक्स का इतना पोर्शन वो पूछ लेता है। किस बैंक के साथ मर्जर हुआ है, सवाल यहाँ पर ये है, किस बैंक का? लक्ष्मी विलास बैंक का। धन लक्ष्मी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, DBS बैंक या फिर यूनाइटेड ओवरसीज बैंक? किस बैंक के साथ मर्जर किया गया है लक्ष्मी विलास बैंक का? चलिए
क्या रहेगा सवाल का जवाब? बहुत अच्छा, दमदार, धुआंदार, गजब सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। सवाल का जवाब रहेगा DBS बैंक लिमिटेड इंडिया, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का जवाब। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर आपको मिलेंगे शक्तिकांत दास नाम के, इसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर भी मिलेंगे जिनमें से 3 के नाम शुरू होंगे एम से, जिनमें से 3 के नाम शुरू होंगे एम से और एक का नाम होगा TB शंकर करके नाम होगा उनका, तो TB करके एक नाम होगा, वो आप टिक कर देना एग्जाम में। 4 डेप्यूटी गवर्नर होंगे जिसमें से एक का नाम TB शंकर करके होगा और 3 का नाम एम से शुरू होगा। इसके अलावा जो गवर्नर मिलेंगे शक्तिकांत दास नाम के मिलेंगे जो कि 25वें नंबर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को किस एक्ट के माध्यम से? 1934 एक्ट के माध्यम से। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर RBI की स्थापना की गई थी। हिल्टन यंग कमीशन आपको मिलेगा 1926 में। हिल्टन यंग कमीशन जो था वो एक किताब से प्रेरित था और उस जो किताब की इंस्पिरेशन, वो जो किताब थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? भीमराव रामजी अम्बेडकर के द्वारा। क्लियर, ये सभी सवाल एग्जाम में पूछे गए, मैंने कहीं ना कहीं चैन के साथ सारे समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है द बुक टाइटल एलिफेंट इन द वॉम्ब, उम्मीद करूंगा आपको ध्यान आ गया होगा, मैंने पढ़ा है। एलिफेंट इन द वॉम्ब इज अ डेब्यूट बुक बाय विच इंडियन सेलिब्रिटी? एलिफेंट इन द वॉम्ब नामक पुस्तक किस भारतीय हस्ती के द्वारा लिखी गई पहली किताब है? ये पहली किताब किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए जी, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए दबाकर भाई साहब, एग्जाम में, एग्जाम के लिए अगर आप कहीं ना कहीं कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं तो बेस्ट चॉइस आपके ऊपर निर्भर करेगी, आपकी क्या चॉइस है। क्या रहेगा सवाल का जवाब? दिव्या दत्ता, टिस्का चोपड़ा, कल्की कोचीन या फिर ट्विंकल खन्ना? एलिफेंट इन द वॉम्ब, एलिफेंट इन द वॉम्ब नामक जो किताब है वो किस प्रसिद्ध, मतलब किस अभिनेत्री के द्वारा या फिर किस फेमस पर्सनैलिटी के द्वारा लिखी गई है? सवाल का जवाब है कल्की कोचीन, ठीक, कल्की कोचीन के द्वारा लिखी गई है। इनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे, शायद ग्रेट ग्रैंड फादर जो थे उनके द्वारा जो है ना आईफल वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसकी डिज़ाइन तैयार किया गया था, मतलब आर्किटेक्चर थे इनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे वो, ठीक। मगर वो सवाल एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, कल की कोचीन आप याद रखिए, क्योंकि ट्विंकल खन्ना से संबंधित भी किताबें कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, इसीलिए कल की कोचीन भी पूछ सकता है, ठीक। सवाल का जवाब है कल की कोचीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, PM मोदी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन यूरोपियन काउंसिल मीटिंग, विच कंट्री होस्टेड द इंडिया यूरोपियन यूनियन लीडर्स मीटिंग 2021? यूरोपीय परिषद की बैठक में PM मोदी ने हिस्सा लिया है किस देश ने? 2021 में भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी की? ऑप्शन है पुर्तगाल, जर्मनी, सिंगापुर या फिर स्विट्जरलैंड रहेगा सवाल का जवाब। अच्छा खासा सवाल है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। अरे वर्कर नहीं थे, आर्किटेक्चर थे, इंजीनियर थे, इंजीनियर थे, ठीक, इंजीनियर आर्किटेक्चर, वो सिविल वाले थे तो भाई आर्किटेक्चर बोल देंगे तो आप समझ सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। PM मोदी ने पार्टिसिपेट किया यूरोपियन काउंसिल मीटिंग में, सवाल यहाँ पर यह है किस देश ने मेज़बानी करी है उस मीटिंग की? ऑप्शन है पुर्तगाल, जर्मनी, सिंगापुर या फिर स्विट्जरलैंड। दिन में हमने एक सवाल पढ़ा था सिंगापुर के संदर्भ में कि आर सी ई पी को फर्स्ट फाइनलाइज करने वाला देश कौन सा था? सिंगापुर था। RCEP के बारे में कुछ पॉइंट बनते थे, मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाए थे। इस सवाल का जवाब सिंगापुर नहीं होगा, इस सवाल का जवाब होगा पुर्तगाल, ठीक। ये वही पुर्तगाली हैं जो भारत में आने वाले पहले यूरोपियन थे। कब भारत में आए थे? 1498 में आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? वास्को डिगामा कैलिकट में आए थे, जोम्बरीन नामक राजा से मिले थे। ये कहानी बहुत पुरानी हो गई है, फिर भी आप इसे ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में आज भी पूछी जाती है। इसके अलावा वो ब्लू वाटर पॉलिसी भी पूछी जाती है, मेरे ख्याल से 1510 के आसपास वो मिलेगी आपको ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, व्हाट अमाउंट ऑफ द फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर द पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द इंडिया यूरोपियन लीडर्स मीटिंग? यूरोप और भारत की जो संघ की बैठक हुई है, संघ के नेताओं की बैठक के दौरान पुणे में मेट्रो रेल परियोजना के लिए भारत को यूरोपीय निवेश बैंक के बीच में कितने वित्तीय अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए, मतलब कितने पैसे वो हमें देने के लिए तैयार हो गया हमारी मदद करने के लिए कि पुणे में आप रेलवे मेट्रो को, मतलब रेलवे को, मेट्रो रेल को आप बना लीजिए। चलिए, $250 मिलियन, €250 मिलियन, 200 मिलियन यूरो, 100 मिलियन यूरो या फिर 150 मिलियन यूरो? क्या रहेगा सवाल का जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। हाँ, वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी आपको मैंने बताया था, वो झूलता ब्रिज, पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो लॉन्गेस्ट बांधा गया है अपना पुर्तगाल में। इस सवाल का जवाब रहेगा 150 मिलियन यूरो, ऑप्शन नंबर CD है इस सवाल का जवाब। क्लियर, इस सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर D। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक नॉट आउट मैराथन
शुरू करने वाला हूँ, मतलब एक नॉट आउट सीरीज आ रही है मेरी, मेरी एक सीरीज आ रही है नॉट आउट सीरीज। ये नॉट आउट सीरीज में मैं लगभग 6 मैराथन कराऊंगा, 6 मैराथन्स लेकर आऊंगा। एक मैराथन में हिस्ट्री, एक मैराथन में पॉलिटी, एक में करंट अफेयर, एक में स्टैटिक जीके, एक में इकोनॉमिक्स और एक में मिक्स रख लेंगे सभी को उठा के। तो 6 मैराथन आएंगी साइंस 7 चैनल पे। तो जिसने साइंस 7 चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास के बाद साइंस 7 चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जल्द ही आने वाली है 6 मैराथन एग्जाम से पहले, CGL CHSL से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा बिल्सा हु क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। सीमा बिल्सा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, किस खेल से जुड़ी हुई हैं? आप जानते हैं टोक्यो में ओलंपिक करवाए जा रहे हैं, करवाए जाने थे सन 2020 में, मगर किसी कारण के चलते हुए, मतलब COVID-19 के चलते हुए वो ओलंपिक्स को स्थगित कर दिया गया और अब वो साल 2021 जुलाई के महीने में कराए जाएंगे। इसीलिए अभी से ही इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर दी गई है टोक्यो वाले एरिया में, ताकि कहीं भी किसी भी खिलाड़ी की जान के साथ जोखिम ना लिया जाए। सवाल यहाँ पर यह है, सीमा बिल्सा जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, किस खेल से? सेलर से, नाविक है, बॉक्सिंग से, शूटिंग से या फिर रेसलिंग से? क्लास को लाइक शेयर करते रहिए भाई। और सोच रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100 करा दूँ यहाँ भी, मतलब मगर हो नहीं पाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, आप समझ सकते हैं, 50 तो करा ही दूंगा। क्या रहेगा सवाल का जवाब? ठीक है जी, टाइम रात का रखें, बिल्कुल रात का टाइम रख लेंगे। और बताइए जी, सवाल का जवाब नाविक रहेंगी, बहुत अच्छे। सवाल का जवाब है रेसलर रहेंगी, रेसलिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा सवाल का जवाब, कुश्ती रहेगा सवाल का जवाब। ठीक, चलिए जी, बहुत बढ़िया। मुक्केबाजी, शूटर, अच्छा सभी बोल रहे हैं मगर सही जवाब नहीं दिया किसी ने भी। अगला सवाल है, हाउ मच अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट वॉज गिवन बाय द नबार्ड। सबसे पहले तो नबार्ड की फुल फॉर्म बताइए और बताइए नबार्ड की स्टैब्लिशमेंट की गई थी कौन से ईयर में और कौन सी तारीख को। आगे है, टू वेस्ट बंगाल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एम्ड COVID-19 पेंडेमिक। हिंदी में भी देख लेते हैं, COVID-19 महामारी के बीच कृषि और संबंधों क्षेत्रों के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा पश्चिम बंगाल को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है? 6,764 करोड़ रुपये, 8,457 करोड़ रुपये, 7,302 करोड़ रुपये या फिर 9,162 करोड़ रुपये? कितनी सहायता दी गई है सवाल यहाँ पर यह है, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। किस कैटेगरी में? एक तो सीधा SSC की कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा स्टैटिक जी के बेस भी इंपॉर्टेंट है सवाल। बताइए भाई नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नबार्ड की स्थापना कब की गई, कितने धनराशि को आवंटित किया गया, ये मैं बता देता हूँ 9,162 करोड़। चलिए, एक सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया 9,162 करोड़ रुपये, बचे हुए 2 सवालों के जवाब आप दे दीजिए जल्दी से। चलिए, सभी का गलत आया भाई जवाब, मैंने दे दिया 9,162 करोड़, ऑप्शन नंबर डी रहेगा सवाल का जवाब, बाकी की कहानी आप संभाल लीजिए, जवाब दे दीजिए बाकी का। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी क्या रहेगा सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और सी डी में से तो हो गया डी है सवाल, 9,162 करोड़ रुपए दिए गए। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, एक तो ये बता दीजिए, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या रहेगी ये बता दीजिए, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई एस्टैब्लिशमेंट की तारीख क्या है वो बता दीजिए। 2 सवालों के जवाब दीजिए, एग्जाम है तुम्हारा सभी लोगों का CHSL का, क्या कर रहे हो यार, कई बार मुझे डर लग जाता है तुमसे, CHSL का एग्जाम है, वहाँ एग्जाम में क्या करोगे, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा एग्जाम में देने के लिए, टाइम केवल तुम्हें 1 सेकंड में जवाब देना होगा, वहाँ पे इतना टाइम अगर लोगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए, मैंने अगला सवाल लगा दिया, आप जवाब दीजिए पुराने वाले सवाल का भी। विच स्टेट पुलिस हैज कम अप विद COVID-19 हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट सर्विस, जिसे वो बोल रहा है कॉव हॉट्स, फॉर द फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नीडेड इन्फेक्टेड पेशेंट फॉर देयर होम्स टू हॉस्पिटल। किस राज्य की पुलिस ने ज़रूरतमंद संक्रमित मरीजों को उनके घरों से अस्पतालों तक मुफ्त परिवहन के लिए COVID-19 अस्पताल परिवहन सेवा शुरू की है? बताइए भाई वो कौन सा राज्य है जिसने ये सेवा शुरू करी है। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर हरियाणा, मेघालय, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। चलिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में एस्टैब्लिशमेंट की गई, बहुत बढ़िया जी, बहुत उम्दा। अगले सवाल का जवाब दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्या रहेगा इस सवाल का जवाब, चलिए भाई जल्दी से जवाब दीजिए, क्या रहेगा इस सवाल का जवाब। चलिए भाई जल्दी से जवाब दीजिए, क्या रहेगा इस सवाल का जवाब, अच्छा सवाल है एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस रहेंगे।
हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर मेघालय? फटाफट जवाब दीजिए जल्दी से। और आज बच्चे कहाँ पर हैं? सारे कहाँ पर हैं आज बाकी? चलिए जी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया। जिस जिस बच्चे ने आंध्र प्रदेश दिया है सभी एक बार इसको टिक करके कांटा मार देना। सवाल का जवाब है हरियाणा। ठीक, सवाल का जवाब क्या रहेगा? हरियाणा रहेगा सवाल का जवाब। हरियाणा रहेगा सवाल का जवाब, ध्यान रखना। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट इन अ पावर सेक्टर इनॉग्रेट इन गुरुग्राम। स्किल डेवलपमेंट पावर क्षेत्र में गुरुग्राम में इनॉग्रेट किया गया, फर्स्ट बन गया। हरियाणा ने टॉप किया है अनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स में। हरियाणा ने टॉप किया है अनीमिया फ्री इंडेक्स में। इसके अलावा आप सीएम के बारे में जानते ही होंगे हरियाणा के, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सवाल का जवाब है हरियाणा। सभी का गलत है, लाइन से। मैराथन कब होगी जी? जल्दी होगी मैराथन, कल से ही हो सब, परसों से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च मिशन भारत O2 45 डेज ओपन चैलेंज फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी इंडिजीनियस रैपिडली स्केलेबल और ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट टू हेल्प कॉम्बैट द इमरजेंसी? किस संस्थान ने आपात स्थिति से निपटने में मदद करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वदेशी तेजी से स्केलेबल ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के निर्माण के लिए 45 दिवसीय खुली चुनौती मिशन भारत O2 लॉन्च किया है? बताइए किस IIT के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया? IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT मद्रास या फिर IIT कानपुर? और इस प्रकार के सवाल कहीं ना कहीं तुम्हें बर्दाश्त करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि कम से कम एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आज भी आपसे वो ये पूछेगा, हाँ जी पानी दिवस कब मनाएंगे? नहीं मनाएंगे भाई, पानी दिवस मनाएंगे ही नहीं वो, अब ऑक्सीजन डे मनाया जाएगा। क्या रहेगा सब, लिटरली बोल रहा हूँ, जल्द मनाया जाएगा ऑक्सीजन डे, थोड़ा सा रुक जाइए। IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT कानपुर, सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर डी रहेगा सवाल का जवाब। सवाल का जवाब रहेगा IIT कानपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल स्क्रीन पर। विच ऑफ दिस डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे? इनमें से किस दिन को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? सेकेंड मंडे ऑफ मे, सेकेंड फ्राइडे ऑफ मे, सेकेंड संडे ऑफ मे या फिर सेकेंड सैटरडे ऑफ मे? सेकेंड सैटरडे को तो तुम छुट्टी बनाते हो, बस छुट्टी वाला मत लगा देना एग्जाम में कि सर सेकेंड सैटरडे को तो छुट्टी होती है हमारी। कानपुर सबसे बड़ा शहर है आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश का, वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब? थीम रहेगी इस बार की सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, थीम क्या रहेगी? थीम रहेगी सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, लाइक अ बर्ड, ये रहेगी इस बार की थीम। थीम भी याद रख लेना। और अगर बात करें सवाल के जवाब की, सवाल का जवाब रहेगा सेकेंड सैटरडे ऑफ मे। ठीक, सवाल का जवाब रहेगा सेकेंड सैटरडे ऑफ मे, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। सवाल का जवाब पहली बार कब मनाया गया था? सिंस 2006, सन 2006 के आसपास से ये मनाया जा रहा है। ठीक, इस बार अगर बात करें सेकेंड सैटरडे कब पड़ा, तो इस बार मेरे ख्याल से सेकेंड सैटरडे 8 मई के आसपास पड़ा होगा, 8th ऑफ मे को पड़ा होगा 2021 में ये वाला दिवस। उम्मीद करूंगा जितने पॉइंट इससे संबंधित बनेंगे सारे आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड 2020 वर्ल्ड माइग्रेटरी डे? मैंने अभी पढ़ाया है, जवाब दीजिए थीम क्या रही, अभी पढ़ाया है सवाल। व्हाट इज द थीम, थीम वाला सवाल मैंने अभी पढ़ा दिया है, उम्मीद करूंगा एक सेकंड में जवाब दे देंगे इसका। आप क्या रहेगी थीम? वो बर्ड्स तो आप जानते हैं कि बर्ड्स की हालत तो क्या कर दी है, इंसानों ने पृथ्वी को अपना घर तो चलिए वो माना था, वो घर तो अलग बात है, मगर इंसानों ने पृथ्वी को अपनी जागीर माना है कि ये हमारा है, ये भूमि हमारी है, और ये भूमि भाई हमारी नहीं है, इस पर क्या पता हम लीज पर खुद रह रहे हो। जैसे हमें क्या पता, देखो अभी तक ये बात सिद्ध नहीं हो पाई है कि इंसान आखिरकार आया कहाँ से है, ये थ्योरी अभी भी फैक्ट नहीं है, इस थ्योरी के हमारे पास नहीं है पूरी जानकारी कि इंसान कैसे आया, कैसे बन गया और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो क्या पता इंसान को किसी ने यहाँ पर लीज पर रहने के लिए छोड़ा हो। ठीक है, मान लीजिए एक जस्ट फॉर इमेजिन कि आप बहुत करोड़ों अरबपति आदमी हैं और आपके मतलब पूर्वजों ने, आपके मतलब ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड फादर ने एक छोटा सा फ्लैट किसी एक बंदे को दे दिया हो किराए पर रहने के लिए। ठीक है, किसी एक बंदे को किराए पर रहने के लिए रेंट पर दे दिया हो। अब आज मतलब आप 100 साल बाद अपने ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर के 100 ईयर्स बाद, 100 साल बाद, क्या आपको याद होगा कि कौन सा फ्लैट आपने आपके दादाजी के दादाजी ने रेंट पर दिया था? नहीं याद होगा ना, क्या पता हमें भी कोई रेंट पर यहाँ छोड़ कर गया हो। सवाल का जवाब है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का जवाब। इसीलिए इसे अपनी जागीर मत मानिए, आपको दिया गया है संभालने के लिए, एक संपत्ति है जो संभालने के लिए आपको दी गई है, उसका ध्यान रखिए, उसे नष्ट मत कीजिए, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ ये बात। अगला सवाल है, नेम द क्रिकेट प्लेयर हु हैज़ वॉन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अप्रैल 2021।
उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने अप्रैल 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार को जीता है। रोहित शर्मा, बाबर आजम, शाहिद अफरीदी या फिर फखार जमन। चलिए भाई, फखार जमन या फिर फखार जमन, क्या रहेगा सवाल का जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर जी, एग्जाम में आपके ठीक हो जाएंगे, मैं पूरी उम्मीद करूंगा उस चीज़ की। अप्रैल मंथ के, ये प्लीज 6 महीने के लिख लेना, एक साथ 6 मंथ्स के एक साथ लिख लेना, महिला और पुरुष वाले, एक सवाल एग्जाम में ज़रूर बनेगा। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाबर आजम। ठीक, बहुत बढ़िया, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत तारीफ हम भी कर देंगे। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर। एलिसा हैली हैज़ बीन नेम्ड द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021। शी रिप्रेजेंट विच कंट्री? जो एलिसा हैली हैं वो 2021 अप्रैल के लिए महीने के लिए महिला सर्वोच्च खिलाड़ी बनी है उस अप्रैल के महीने की आईसीसी के द्वारा। सवाल यहाँ पर ये है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। जैसे बाबर आजम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, कोई भी टिक कर देगा। अब ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर न्यूजीलैंड से? चलिए जवाब दीजिए फटाफट से, क्या रहेगा इस सवाल का जवाब? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा या ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नाम है एलिसा हेली, ए से ही शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया और ए से ही शुरू होगा एलिसा हेली, तो सवाल का जवाब रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया रहेगा सवाल का जवाब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, द रिपोर्ट टाइटल कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत हैज बीन लॉन्च बाय नीति आयोग इन अ कोलेब्रेशन विद विच कंपनी? नीति आयोग ने किस कंपनी के सहयोग से कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर द डिजिटल इंक्लूसिव भारत, मतलब डिजिटल इंक्लूसिव भारत बनाने के लिए नीति आयोग ने भारत शीर्ष वाली रिपोर्ट लॉन्च की गई है, मतलब किसकी मदद से रिपोर्ट लॉन्च की गई? नीति आयोग ने किस कंपनी के सहयोग से? बताइए, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, अमेजोन के या फिर मास्टर कार्ड के? और क्वेश्चन बहुत ही उम्दा है सर, 9:30 बजे वाली क्लास होगी पॉलिटी की, बिल्कुल तैयार रहिए आप, 100% क्लास होगी। अगर बात करें, अगर आपको वो नाम लिख लें हैं कि अप्रैल के महीने में किसको मिला, बाबर आजम को। अगर बात करें मार्च के महीने में, मार्च के महीने में भुवनेश्वर कुमार को। अगर बात करें फरवरी के महीने में, रविचंद्र अश्विन को। बात करें जनवरी के महीने में, तो ऋषभ पंत को। अप्रैल बाबर आजम, मार्च का महीना हो जाएगा भुवनेश्वर कुमार, फरवरी का महीना हो जाएगा रविचंद्र अश्विन और जनवरी का महीना हो जाएगा ऋषभ पंत। और अगर बात करें एलिसा हैली का, आप जानते हैं, इसके अलावा मार्च के महीने में लीजा ली हो जाएंगी साउथ अफ्रीका की। इसके अलावा फरवरी के महीने में टैमी करके एक महिला थी वो हो जाएंगी, और जनवरी के महीने में हो जाएगी शैबनम इस्माइल करके कोई खिलाड़ी थी वो हो जाएंगी। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का जवाब? इतनी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, बहुत बढ़िया। सवाल का जवाब मास्टर कार्ड रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। सवाल का जवाब रहेगा मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर डी। प्लीज ढंग से ध्यान रखना, सवाल अच्छे से लिख लेना, इसकी पीडीएफ आपको भी मिल जाएगी क्लास के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, डॉजी वन मिशन टू द मून, कहाँ का मिशन है? मून का मिशन है। इज द फर्स्ट एवर कमर्शियल लूनर पेलोड पेड एंटायरली इन द क्रिप्टो करेंसी डॉजी कॉइन? द मिशन विल बी लॉन्च बाय द कंपनी 2022। वो बोल रहा है डॉजी वन मिशन जो है वो एक व्यवसायिक चंद्र चंद्र पोलेड है जिसका भुगतान पूरी तरह क्रिप्टो करेंसी डॉजी कॉइन में किया गया है। मिशन 2022 में किस कंपनी द्वारा शुरू किया जाएगा? जवाब ये दे दीजिए बस। चलिए भाई साहब, कमर्शियल मतलब भेजा जाएगा, नाम लोगों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, मून पर भेजा जाएगा। सवाल ये है इसकी पेमेंट जो की गई है वो डॉजी कॉइन क्रिप्टो करेंसी में की गई है। सवाल ये है किस कंट्री का ये मिशन है? इसरो का है, सीएनएससी का है, नासा का है या फिर स्पेस एक्स एलन मस्क, या फिर स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी? क्या रहेगा सवाल का जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए, अच्छा सवाल है, बेसिक सा सवाल है मगर जल्दी से आप लोगों ने जवाब दे दिया है। सवाल का जवाब रहेगा स्पेस एक्स। आज पढ़ा था ना फैल्कॉन 9, वो फैल्कन 9 जो रॉकेट पड़ा था जिसके द्वारा 60 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया इंटरनेट की स्पीड को बेहतर करने के लिए, किस कंपनी के द्वारा? स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। स्टार लिंक आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था दिन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर हैज़ रिसेंटली वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 फॉर विच फिल्म? बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है द शॉवर, हैप्पी बर्थडे, वॉटर बरियल या फिर द एन इंजीनियर ड्रीम। चलिए, इंजीनियर का सपना, एन इंजीनियर ड्रीम। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का जवाब? बहुत बढ़िया जी, एन इंजीनियर ड्रीम बोलने वाले तो अपना सपना पूरा करने के मूड में है। इस सवाल का जवाब है हैप्पी बर्थडे। मैंने कल ही शायद ये सवाल पढ़ाया था या फिर संडे को पढ़ाया था। ठीक, सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर, कल संडे ही था, ऑप्शन नंबर सी हैप्पी बर्थडे रहेगा सवाल का जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है द क्रिएशन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी डॉजी कॉइन वॉज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ दिस क्रिएचर। क्रिप्टो करेंसी डॉजी कॉइन का निर्माण निम्न में से या फिर इनमें से किस जीव से प्रेरित होकर किया गया है? डॉग से प्रेरित होकर, लॉयन से प्रेरित होकर, पांडा से प्रेरित होकर या फिर वॉलरॉस से प्रेरित होकर? बताइए किस जीव से प्रेरित होकर डॉजी कॉइन करेंसी का निर्माण किया गया है? क्या रहेगा सवाल का जवाब? चलिए देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी इस सवाल के जवाब सही दे पाएंगे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल्सो। चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्लास को शेयर और लाइक करते रहिए। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको अच्छे लग रहे होंगे और इजी वे में आप इनको टैकल भी कर पाएंगे जब ये सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या डी। आप देख रहे हैं डॉजी कॉइन में ऑलरेडी डॉग तो आ ही गया है, तो सवाल का जवाब है डॉग। ठीक, सवाल का जवाब है डॉग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर। मिनी आईपीई एंड बीसी पटनायक हैव बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी। मिनी आईपी और बीसी पटनायक को निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी के प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? बताइए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी, SBI लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, रिलायंस निपोन लाइफ इंश्योरेंस या फिर न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी। किस कंपनी में इन्हें अपॉइंट किया गया है? सवाल यहां पर यह है, दीजिए जवाब। क्या रहेगा सवाल का जवाब, सवाल का जवाब रहेगा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। ध्यान रखना LIC से संबंधित सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जैसे वर्ल्ड में अगर बात करें तो 10th नंबर पे कंपनी और थर्ड नंबर भी मैंने आपको बताया था, दोनों तरीके से वो सवाल मैंने आपको पढ़ा दिया था कि 10th कैसे है और 3rd कैसे है। इसके अलावा चाइना वाली मैंने बता दिया फर्स्ट नंबर पे है, जबकि इसके 26% मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसकी 6% मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुई है, फिर भी चाइना वाली प्रथम पे थी और अपनी थी 10th नंबर पे। ठीक, और $433 मिलियन के आसपास थी चाइना वाले की जो कुल वैल्यू थी उसनी थी उस कंपनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट अनाउंस द मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की घोषणा की है? बिहार ने, छत्तीसगढ़ ने, उत्तर प्रदेश ने या फिर मध्य प्रदेश ने? वो कौन सा राज्य है भारत का जिसने इस योजना की घोषणा की है? चलिए, विच स्टेट हैज अनाउंस द मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। ये योजना करने वाले भारत के जो मुख्यमंत्री हैं उनको मामा के नाम से भी जाना जाता है। सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब रहेगा मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? शिवराज सिंह चौहान जी। चौहान जी के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई है, शुरुआत की गई है। तो किस राज्य में? राज्य रहेगा मध्य प्रदेश, MP। उम्मीद करूंगा कहीं ना कहीं सभी लोग जवाब ठीक दे पाएंगे। जो ठीक नहीं दे पा रहा, निराश नहीं होना, घबराना नहीं है, मजबूती के साथ डटे रहिए, बने रहिए, एग्जाम में जब आएगा तब ठीक लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट वॉज रिलीज बाय द सेंटर टू 25 स्टेट्स टू फॉर प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू द रूरल लोकल बॉडीज इन एडवांस इन व्यू ऑफ द कोविड पैंडेमिक। हिंदी में समझिए, कोविड-19 महामारी को देखते हुए ग्रामीण स्थानीय निकायों को अग्रिम रूप से अनुदान प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा 25 राज्यों को कितनी राशि जारी की गई है? बताइए भाई, रूरल लोकल बॉडीज को कितनी राशि जारी कर दी गई है ताकि भाई पैंडेमिक में स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाए। 5678 करोड़ रुपये, 6543 करोड़ रुपये, 8923 करोड़ रुपये या फिर 9750 करोड़ रुपये, कितनी राशि प्रदान कर दी गई है? 25 राज्यों की बात हो रही है ये। ठीक, क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी सवाल का जवाब सही दे पाएंगे। सवालों का लेवल अच्छा नहीं, बहुत अच्छा रखने की कहीं ना कहीं मेरे द्वारा कोशिश की जाएगी। कहीं ना कहीं इतना फैंटेस्टिक क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं जाके ताकि इजीली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बस सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 8923 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। कितने राज्यों में? 25 राज्यों के रूरल लोकल बॉडीज तक ये पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। पंचायत, त्रिराज इंस्टीट्यूशन के मैं जाने होते होंगे, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, नहीं जानते तो भाई साहब 73वां संविधान संशोधन,
73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब करवाया गया, तो 1992 में भाई साहब इसके लिए बिल पेश करवाया गया था और 24 अप्रैल 1993 को इस देश में लागू हो गया पंचायत राज सिस्टम। 24 अप्रैल 1993 को इस देश में लागू हो गया पंचायत राज सिस्टम, ठीक है। आर्टिकल नंबर 243 से लेकर आर्टिकल नंबर 243 ओ में लिखा हुआ है पंचायत के बारे में, और ध्यान रखना जो आर्टिकल नंबर 243 ओ है उसमें वो कैपिटल है, क्योंकि ये बात नहीं जोड़ी गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बात नहीं जोड़ी जाएगी उसमें कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, तो अक्षर मिलेगा कैपिटल, ठीक। इवन एग्जाम में ये तक सवाल पूछा गया है कि 243 से लेकर 243 ओ में कितने आर्टिकल्स मौजूद हैं, इसमें कितने आर्टिकल्स मौजूद हैं, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कितने आर्टिकल्स मौजूद हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ। रघुनाथ मोहपात्रा पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। रघुनाथ मोहपात्रा जी का निधन हो गया है, सवाल यहाँ पर यह है किससे संबंधित थे वो। चलिए, रघुनाथ मोहपात्रा जी का निधन हो गया है, सवाल यह है किससे संबंधित थे वो। ऑप्शन रहेगा आपकी स्क्रीन पर, एक्टर, पॉलिटिक्स, स्कल्पचर या फिर सोशल एक्टिविस्ट। क्या रहेगा सवाल का जवाब? राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं रघुनाथ मोहपात्रा जी, मर गए हैं, डेथ हो गई है। किसकी वजह से डेथ हो गई है? कोविड-19 के चलते हुए इनकी डेथ हो गई है। पद्म विभूषण जीते हैं 2001 में, पद्म विभूषण जीते हैं 2013 में, ध्यान रखना, ठीक। उड़ीसा से संबंध रखते थे, सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। स्कल्पचर मूर्तिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, विच कंट्री हैज लॉन्च अ न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यागोन 34 इनटू अ स्पेस। किस देश ने अंतरिक्ष में नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह यागोन 34 लॉन्च किया है? चाइना ने, रशिया ने, फ्रांस ने या फिर इंडिया ने? यागोन 34 लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? चलिए भाई जवाब दीजिए। स्कल्पचर थे, सभी गलत दे रहे हो जवाब, बहुत सारे सवालों के जवाब गलत आ रहे हैं तुम्हारे। आज क्या कर रहे हो भाई, खाना वाना नहीं खाया क्या आज? चलिए, इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? बेसिक सवाल है, यागुन वो नाम बोल रहा है उससे ही ठीक हो जाएगा। सवाल का जवाब रहेगा चाइना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर हैज बीन डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट वैक्सीन फॉर द डेडली वायरल नर्वस नेक्रोसिस डिजीजेस। द इंस्टीट्यूट इज बेस्ड इन विच सिटी, वो बोल रहा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर ने घातक वायरल नेक्रोसिस नर्वस नेक्रोसिस रोग के लिए देश का पहला टीका विकसित किया है, संस्थान किस शहर में मौजूद है? ये एग्जाम में सवाल आ सकता है, सीजीएल लेवल का बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन है, वो पूछेगा। ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर ने, इसी लैंग्वेज में सवाल आ सकता है, डेवलप किया है कंट्री की पहली वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन डेडली वायरस वायरल नर्वस नेक्रोसिस डिजीज के, नर्वस नेक्रोसिस डिजीज के संबंध में ये वैक्सीन को डेवलप किया गया। सवाल ये है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर मौजूद है? चेन्नई में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर हैदराबाद में? इतनी आसान नहीं होता नौकरी लगना, ध्यान रखना ये बात। अच्छे खासे सवाल के जवाब आपको देने पड़ेंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि आप सोच के जाओगे कि बिल्कुल ही बेसिक सवाल पूछे जाएंगे और वहाँ पे बेसिक सवाल आ जाएंगे, ठीक। सवाल का जवाब रहेगा यहाँ पे चेन्नई। ये इंस्टीट्यूट कहाँ का बेस्ड है? ये इंस्टीट्यूट बेस्ड रहेगा चेन्नई का, और इन्होंने इस वैक्सीन को डेवलप्ड किया है, क्लियर। 30th नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बीन बिल्डिंग फॉरेस्ट पॉन्ड्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर। कौन सा राज्य वर्षा जल संचालन के लिए वन तालाब बना रहा है? जवाब दीजिए भाई, वन तालाब कौन सा राज्य बना रहा है वर्षा का जो पानी होगा उसको कलेक्ट करने के लिए? जवाब दीजिए, वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहा है, जल संचयन की बात कर रहा है, वो कौन सा भारत का राज्य है जो वन में ही तालाब बना रहा है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? क्या रहेगा सवाल का जवाब? सवाल का जवाब रहेगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर द रिकॉर्ड 25th टाइम। 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? मिंग किपा, युचिरो मियुरा, पूर्वाताशी या फिर कामीरीटा? चलिए भाई, क्या रहेगा सवाल का जवाब? उत्तराखंड नहीं, सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। और इस सवाल की अगर बात की जाए तो पहली बार इन्होंने एवरेस्ट को स्केल किया था 1994 में, 51 साल की इनकी उम्र है, कामीरीटा इनका नाम है। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 51 साल की उम्र है, 1994 में पहली बार स्केल किया था इन्होंने, और तब से लेकर अब तक 25वीं बार ये इसे स्केल कर चुके हैं, इसकी चढ़ाई कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला सवाल है, द नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? राष्ट्रीय प्रौद्योगिक विकास दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 11 मई को, 10 मई को, 13 मई को या फिर 12 मई को? और ध्यान रखना, इस दिन हमने एक परीक्षण किया था, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिस न्यूक्लियर परीक्षण का नाम था ऑपरेशन शक्ति। कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था, 1998 में किया गया था, तारीख थी 11 मई और 13 मई, और उसी से मनाया जाता है क्या? उसी से मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को, और कब से मनाया जा रहा है? सन 1999 से। कब से मनाया जा रहा है? सन 1999 से ये मनाया जा रहा है, सन 1999 से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021? जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस 2021 का विषय क्या है, इसकी थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे? 1998 में परीक्षण किया था और 1999 से ये मनाया जा रहा है। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग प्रकार के सवाल है। उस समय अब्दुल कलाम साहब हुआ करते थे एक साइंटिस्ट, बहुत महानतम साइंटिस्ट। इसके अलावा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर करवाया गया था ये टेस्ट, मतलब उस समय वो प्रधानमंत्री थे इस देश के। थीम क्या रहेगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिक, एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिक रहेगी इसकी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, इंडियन एंड इंडोनेशिया, इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवीज कंडक्ट पैसिफिक एक्सरसाइज इन विच ओशियन सी? भारतीय और इंडोनेशिया नौसेना किस महासागरीय समुद्र में पैसिफिक अभ्यास करती हैं? अरब सागर में, इंडियन ओशियन में, बे ऑफ बंगाल में या फिर साउथ चाइना सी में? जो भारत और इंडोनेशिया के बीच एक एक्सरसाइज करवाई गई है, कौन सी? तो नेवल एक्सरसाइज करवाई गई है। सवाल ये है कि कहाँ पर करवाई गई है, किस सी में वो एक्सरसाइज करवाई गई है? क्या रहेगा सवाल का जवाब? सवाल का जवाब रहेगा अरेबियन सी, अरब सागर में ये एक्सरसाइज करवाई गई है, अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज कराई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन स्वॉन इन एज़ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ नासा? नासा के नए प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है? बिल नैनसन ने, बारबरा कोहेन ने, नोएल हैनेरस ने या फिर कैथरीन वॉल्कर ने? नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में किसने शपथ ली है? क्या रहेगा सवाल का जवाब? देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी इस सवाल का जवाब भी सही दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। 14th नंबर के हैं ये जिन्होंने भी शपथ ली है। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा बिल नेल्सन। अगर बात करें नासा की, तो नासा की स्थापना नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना की गई थी सन 1958 में, 1958 में। और कहीं ना कहीं इसका हेडक्वार्टर आपको नजर आ जाएगा वॉशिंगटन डीसी के अंदर, इसका हेडक्वार्टर आपको नजर आ जाएगा वॉशिंगटन डीसी के अंदर, इसका हेडक्वार्टर आपको नजर आ जाएगा। ये 14th नंबर के हैं, 14वें नंबर के बनाए गए हैं, ये पॉइंट भी याद रखना, कहीं ना कहीं एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 38th नेशनल प्रेजिडेंट ऑफ FLO, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन? फिक्की लेडीज, फिक्की महिला संगठन के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण सिंघल, शोभित जैन, प्रिया मीणा या फिर उज्ज्वला सिंघानिया जी को? क्या रहेगा सवाल का जवाब? सवाल का जवाब रहेगा उज्ज्वला सिंघानिया जी को, 38th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FLO, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का जवाब। उज्ज्वला योजना पढ़ाई थी जब मैंने ये सवाल आपको पढ़ाया था कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? बलिया, उत्तर प्रदेश, 1 नवंबर 2016 को स्थापना की शुरुआत की गई थी उज्ज्वला योजना की, वो गैस वाली जो योजना थी, ठीक। ये सवाल पूछा गया था CHSL के एग्जाम में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द प्रपोज्ड नेशनल असेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड? प्रस्तावित नेशनल असेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जवाब दीजिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द प्रपोज्ड नेशनल असेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड? प्रस्तावित नेशनल असेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? VG मैथ्यू, राजकिरण राय जी, पदम कुमार एम नैयर या फिर चंद्रशेखर घोष? क्या रहेगा सवाल का जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब ये वो दमदार सवाल हैं
तो सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। सवाल का जवाब है पद्मा कुमार एम नायर रहेगा सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेशनल असेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए सीईओ के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2021 वाज हेल्ड इन विच सिटी। तीसरी आर्टिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021 किस शहर में आयोजित की गई है, टोक्यो में, पेरिस में, लंदन में या फिर नई दिल्ली में। थर्ड आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2021 किस शहर में आयोजित की गई है, क्या रहेगा सवाल का जवाब। अरे 9:30 बजे क्लास होगी तो तुम्हारी पॉलिटी की 9:30 बजे क्लास लूंगा अभी मैं, बस कुछ देर बाद क्लास छोड़ूंगा, 9:30 बजे क्लास है तुम्हारी पॉलिटी की, 100% क्लास है तुम्हारी पॉलिटी की आज, बिल्कुल पहुंच जाना। सवाल का जवाब है टोक्यो जापान, ऑप्शन नंबर ए है। जो भी डी सी बी लगा रहा है गलत है, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई एक्सटेंड रिस्ट्रिक्शन ऑन मिलिमित कॉर्पोरेटिव बैंक फॉर 3 मंथ्स, विच स्टेट विल मिलिमित कॉर्पोरेटिव बैंक बेस्ड इन। वो बोल रहे हैं आरबीआई ने मिलिमित कॉर्पोरेटिव बैंक पर प्रतिबंध 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। मिलिमित सहकारी बैंक किस राज्य में स्थित है, केरल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में, कहाँ पर स्थित है, क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब दीजिए भाई फटाफट से। कहाँ पर ये स्थित है ये बैंक जिस पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है 3 महीने के लिए प्रतिबंध, अप्रैल महीने के सवाल है ध्यान रखना, 3 महीने के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है, कौन से राज्य में बेस्ड ये रहेगा बैंक, सवाल का राज्य जवाब रहेगा यहाँ पे कर्नाटका, जहाँ पर बैठे हुए हैं वाई एस येदुरप्पा और जहाँ की राजधानी आपको बेंगलुरु के रूप में नजर आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है विच कंपनी बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर एज पर द डियोलाइट रिपोर्ट। डियोलाइट रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली रिटेलर बन गई है, अमेजोन, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट या फिर रिलायंस रिटेल। कौन सी कंपनी दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली रिटेल कंपनी बन गई है, किसके अनुसार, डियोलाइट के अनुसार, जवाब दीजिए। देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी इस सवाल का जवाब भी सही दे पाएंगे। क्लास को शेयर और लाइक कर दिया कीजिए भाई, हवा में आपको लगता है नहीं मिलेंगे इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। वॉलमार्ट, बहुत बढ़िया जी, वॉलमार्ट लगा देना, ठीक, वॉलमार्ट लगा के आगे बढ़ जाना। सवाल का जवाब है रिलायंस रिटेल, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, सवाल का जवाब रहेगा रिलायंस रिटेल। मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल लिमिटेड हैज़ बीन सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोविंग रिटेल इन द वर्ल्ड 2020 ग्लोबल रिटेल पावर हाउस बाय डियोलाइट, जो डियोलाइट के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है उसमें ये बात बोली गई है, ठीक है जी, ध्यान रखना। इसके अलावा साउथ कोरियन कंपनी है कॉपेंग, वो फर्स्ट है वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग में, वो भी लिख लीजिए, नाम रहेगा उसका कॉपेंग, क्योंकि अगर फर्स्ट पूछ लिया गया तो तुम लगा दोगे अमेजोन एग्जाम में। फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर कंपनी रिलायंस रिटेल सेकेंड नंबर पे आ रही है फास्टेस्ट ग्रोइंग में, और डियोलाइट के द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है, और कॉपेंग जो साउथ कोरिया बेस्ड एक कंपनी है, रिटेल कंपनी है, वो फर्स्ट है फास्टेस्ट ग्रोइंग में। कौन सी कहाँ की कंपनी है, ये कंपनी रहेगी साउथ कोरिया वाली। उम्मीद करूँगा ये पॉइंट आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में मिल गया होगा और इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जोसे जे कट्टूर को, शक्तिकांत दास को, राजेश्वर राव को या फिर टी बी रविशंकर को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछ रहा है, ध्यान से टिक करना एग्जाम में, ठीक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछ रहा है, ध्यान से टिक करना एग्जाम में, कहीं आप हवा में मत लगा देना कि जी हमें तो पता है, हमें सब पता है, क्योंकि आपको जो सब पता होता है ना उसमें कई बार सब नहीं आता है, ठीक, बहुत बढ़िया। सवाल का जवाब रहेगा जॉर्ज जे कट्टूर रहेगा सवाल का जवाब, ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और यहीं पर अगर पूछा होता डेप्यूटी गवर्नर तो सवाल का जवाब होता टीबी रविशंकर को नया बनाया गया, ठीक है, टीबी रविशंकर को नया बनाया गया, इनसे पहले जो थे वो रिटायर हो गए और इनको बनाया गया नया। शक्तिकांत दास आप जानते हैं गवर्नर हैं ही मौजूदा आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है विच बैंक अलॉन्ग विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू इन्वेस्ट अप टू 100 यूरो मिलियन इन इंडिया SMEs फोकस्ड ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की वो बात कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के साथ कौन सा बैंक जलवायु परिवर्तन और स्थिरता पर केंद्रित भारतीय SME में 100 मिलियन यूरो तक निवेश करेगा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, वो कौन सा बैंक है जो इन्वेस्टमेंट करेगा, सवाल यहाँ पर ये है। चलिए भाई जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से। ये जो भी बैंक है उसकी स्थापना की गई थी 1958 में, लग्जमबर्ग में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर, और प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट मिलेंगे वो वर्नर करके कुछ मिलेंगे। सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक करेगा इन्वेस्टमेंट, ठीक, भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द अरब वर्ल्ड नोबल प्राइज, शेख जायद बुक अवार्ड। मैंने आपको पढ़ाया था ये सवाल भी, मुझे याद है, अरब विश्व नोबल पुरस्कार शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? आशा पारेख, काशवी रेखी, वहीदा रहमान, या फिर तहरिया कुतुबुद्दीन। चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो गया उस सवाल का जवाब, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द अरब वर्ल्ड नोबल प्राइज शेख जायद बुक अवार्ड, किसने जीता है, वो कौन से भारतीय हैं जिन्होंने पुरस्कार जीता है। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ताहिरा कुतुबुद्दीन रहेगा सवाल का जवाब। ऑप्शन नंबर डी रहेगा सवाल का जवाब, ताहिरा कुतुबुद्दीन, अ प्रोफेसर ऑफ अरेबिक लिटरेचर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी, पहली भारतीय मूल से संबंधित पर्सनैलिटी हैं ये, जिनको 15वां फिफ्थ नंबर का शेख जायद बुक अवार्ड दिया गया है। उनकी लेटेस्ट बुक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए, किस किताब के लिए दिया गया है? अरेबिक ओरेशन, ध्यान रखना कौन सी किताब के लिए दिया गया, अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, किस किताब के लिए दिया गया, अरेबिक ओरेशन एंड आर्ट एंड फंक्शन नाम की उनकी किताब के लिए उनको दिया गया है। शिकागो में वो एक प्रोफेसर हैं, ठीक है ना, शिकागो यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं अरेबिक भाषा की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, विच हैज़ बिकम द फोर्थ स्टेट यूनियन टेरिटरी टू प्रोवाइड टैप वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल होम अंडर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति करने वाला चौथा राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? नई दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, या फिर लक्षद्वीप। चलिए भाई क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब दीजिए। कौन सा बन गया है ऐसा करने वाला, विच हैज़ बिकम द फोर्थ, ऐसा करने वाला चौथा कौन सा बन गया है? पुडुचेरी हैज़ बिकम, चौथा कौन सा बन गया है भाई साहब, यूनियन टेरेटरी याद रखना, पुडुचेरी हैज़ बिकम द फोर्थ यूनियन टेरेटरी, वैसे इससे पहले स्टेट भी हो जाएंगे, जिसने ऐसा काम करके दिखाया है, ठीक है ना। इससे पहले गोवा हैज़ बिकम द फर्स्ट, जिसने हर घर प्रोवाइड करवाया था टैप वाटर। ध्यान रखना अगर पहला पूछ जाए तो पहला आप टिक करेंगे गोवा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अलावा हो जाएगा तेलंगाना, उसके अलावा हो जाएगा अंडमान निकोबार, तीनों लिख लीजिए आप। सबसे पहले हो जाएगा गोवा, फिर हो जाएगा तेलंगाना, फिर हो जाएगा तेलंगाना, और उसके बाद हो जाएगा अंडमान निकोबार, उसके बाद हो जाएगा अंडमान निकोबार, और चौथे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, चौथे नंबर पे हो जाएगा अपना पुडुचेरी, चौथे नंबर पे कौन सा हो जाएगा अपना, चौथे नंबर पे हो जाएगा अपना पुडुचेरी। तो सभी सवालों को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, 45वें नंबर का सवाल है, विच कंपनी हैज लॉन्च सावधान रहें सेफ रहें अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन अ फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क। किस कंपनी ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम पर एक जान एक जागरूकता अभियान सावधान रहें सुरक्षित रहें लॉन्च किया? बताइए भाई किस कंपनी ने ये लॉन्च किया है, सावधान रहें सुरक्षित रहें, किस कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क को बढ़ते हुए कम करने के लिए? सवाल का जवाब है बजाज फिनसर्व के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड टू द प्रेस्टिजियस नेशनल अकेडमी अवार्ड ऑफ साइंस इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिस्टिंग्विश एंड कंटिन्यूइंग अचीवमेंट इन ओरिजिनल रिसर्च। मूल शोध में उनकी प्रतिष्ठा और निरंतर उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिष्ठा राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के लिए किसे चुना गया है? इस सवाल को स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिए और इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया यार क्लास का, और दूसरी क्लास के लिए भी मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। तो इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना कि सही जवाब क्या रहेगा, ठीक। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना कि सही जवाब क्या रहेगा। क्लास अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और जो बच्चा नया जुड़ा है चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, उस सवाल का जवाब ज़रूर देना, ठीक। लगभग 50 के आसपास सवाल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। क्लास अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद 9:30 बजे क्लास है, चैनल का नाम लिख लीजिए भाई कहाँ पे क्लास है। चैनल रहेगा अपना प्लेइंग विद जीके के नाम से,
कहाँ पर क्लास है? 9:30 बजे, 9:30 बजे क्लास है तुम्हारी, चैनल है प्लेइंग विद जीके के नाम से, इस चैनल पे क्लास है, तो जरूर क्लास लेने के लिए